तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के Z2 मॉडल के बारे में, यानी कि बेस वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में आपको कौन कौन से फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, इस गाड़ी की प्राइस इस समय क्या चल रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस गाड़ी में आपको 2198 सीसी का एम हॉक का 4 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी में 7 सीट की सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है और यह गाड़ी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। साथ ही दोस्तों, इसमें आपको 57 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और अगर हम माइलेज की बात करें तो यह गाड़ी लगभग 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज डीजल में देती है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की न्यू प्राइस के बारे में। तो अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं राजस्थान के जयपुर सिटी से, तो इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस होगी 13,55,501 रुपए, जिसमें आपका आरटीओ चार्ज एक शोरूम प्राइस में जुड़ेगा 1,62,450 रुपए। वहीं अगर आप इस गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका जुड़ेगा 91,095 रुपए। यानी कि सभी टैक्स और चार्जेस इंक्लूड करने के बाद इस गाड़ी की टोटल ऑन रोड प्राइस निकल कर आती है जयपुर सिटी की 16,24,601 रुपए। अब दोस्तों, ये जो प्राइस है वो जयपुर सिटी की है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को किसी अदर सिटी से खरीदना चाहते हैं तो इस गाड़ी की प्राइस थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस गाड़ी को किस शहर से खरीदना चाहते हैं। अब दोस्तों, आप इस गाड़ी को अगर फाइनेंस में खरीदते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के 3 साल यानी कि 36 महीनों का फाइनेंस आप करवाते हैं तो इसमें अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट 3,99,100 रुपए का करेंगे, उसके बाद आपका लोन अमाउंट बनेगा 12,25,501 रुपए का। और इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 9.4% लगाने पर आपकी हर महीने की किस्त बनेगी 39,199 रुपए। और इसी के साथ आपको कुल टोटल अमाउंट पे करना होगा 14,11,164 रुपए डाउन पेमेंट को छोड़कर। तो दोस्तों, यही थी न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की Z2 मॉडल की न्यू प्राइस और उसकी फाइनेंस डिटेल। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।